हेलो फ्रेंड्स, सभी जी के अड्डे में आप सभी लोग का। वीडियो में आप लोगों से सवाल पूछा था कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा गुजरात रांची में। और इस सवाल का सही जवाब दिए पबजी लवर राहुल, जैसे कुलकर्णी, सरिता मिश्रा, सुनीता मिश्रा, आदर्श मिश्रा, वनराज राज, रोहित चंगेला, सुहित कुंजन, इन्होंने इस सवाल का सही जवाब दिया है। आज का पहला सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आप लोगों से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब अगर आप लोग सही कमेंट करके बताएंगे तो आपका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। सही जवाब जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सवाल नंबर दो, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही जवाब जाएगा बेंगलुरु में। सवाल नंबर तीन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। सही जवाब जगह लुम्बिनी में। सवाल नंबर चार, गुलाबी शहर किसे कहते हैं। सही जवाब जगह जयपुर को। सवाल नंबर पाँच, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं। सही जवाब जगह बैरोमीटर से। सवाल नंबर छह, कामायनी के रचयिता कौन थे। सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। सवाल नंबर सात, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है। आप लोगों को किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता हो तो अपना जवाब जरूर कमेंट करके बताया करें। सही जवाब देगा आइसलैंड। सवाल नंबर आठ, दशमलव पद्धति का जनक कौन सा देश है। सही जवाब जगह भारत। सवाल नंबर नौ, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सही जवाब जगह गुजरात राज्य में। सवाल नंबर दस, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक की चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सही जवाब देगा टका। सवाल नंबर 11, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था। सही जवाब देगा वास्को डी गामा। सवाल नंबर 12, मेघालय की राजधानी का क्या नाम है। सही जवाब देगा शिलोंग। आप लोग बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करिएगा। सवाल नंबर 13, करो या मरो का नारा किसने दिया था। सही जवाब जगह महात्मा गांधी। सवाल नंबर 14, डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं। सही जवाब जगह ब्रिटेन को। ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहते हैं। सवाल नंबर 15, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा गणित के क्षेत्र में। सवाल नंबर 16, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था।
सही जवाब देखो 1919 में। सवाल नंबर 17, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब देगा 22 मार्च को। सवाल नंबर 18, पटना का पुराना नाम क्या था? सही जवाब देगा पाटलिपुत्र, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। सवाल नंबर 19, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। सही जवाब देगा जिनेवा। सवाल नंबर 20, भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? सही जवाब देगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है। सवाल नंबर 21, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब देगा लीवर। सवाल नंबर 22, दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब देगा शाहजहां ने। सवाल नंबर 23, वॉलमार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब देगा अमेरिका में। सवाल नंबर 24, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब देगा प्रधानमंत्री। सवाल नंबर 25, भारत के किस राज्य में केले का सबसे अधिक उत्पादन होता है? सही जवाब देगा तमिलनाडु राज्य में। सवाल नंबर 26, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इस सवाल का सही जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना, जो भी सही जवाब देगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। सवाल नंबर 27, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? सही जवाब देगा कावेरी नदी को। सवाल नंबर 28, भारत से कोहिनूर हीरा किसने लूटा था? सही जवाब देगा नादिर शाह ने। सवाल नंबर 29, ऐसा कौन सा शब्द है जिसे सीधा लिखने पर एक फल का नाम और उल्टा लिखने पर एक लड़की का नाम आता है? सही जवाब देगा राखी, जिसको खीरा जिसको उल्टा करेंगे तो राखी ये नाम आएगा, जो कि एक लड़की का नाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।